हे गाइस, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल मित्तल, बाय पर्सनल ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आदिल जी को बताने जा रहा हूँ कि पोर्च में गाड़ी को कैसे रखना और कैसे निकालना है, जो कि ये इनका पोर्च है पोर्च में। और ये गाड़ी है ब्रिजा न्यू 2022 की गाड़ी है, और इनको पोर्च में कैसे गाड़ी को रखना और कैसे निकालना है, तो आ जाइए। चलो हैंड ब्रेक निकालो, इस साइड दबा लो। हाँ, गुड, जाओ। बस यहीं पे सीधी कर लो। राइट वाले मिरर को अपने देखते रहना, राइट वाले। हल्का सा एक्सीलेटर भी लेना पड़ेगा। चढ़ जाएगी। बैक करने की ज़रूरत नहीं है, बैक करनी, बस राइट वाले हिस्से को अपने देखते रहना बस। हाँ, इधर बहुत स्पेस है, बंद नहीं होनी चाहिए आदिल भाई गाड़ी। गाड़ी बंद होने का मतलब है, बस समझ जाओ। अब जाओ। गुड, ब्रेक ले लो, यहीं से होल्ड कर दो, हाफ क्लच पे यहीं से उठाना है गाड़ी को। ब्रेक नहीं छोड़ना, पहले हाफ क्लच छोड़ो। हाफ क्लच जैसे गाड़ी गियर में एक्टिव हो, बस हल्का सा एक्सेलेटर ले लें। कोई बात नहीं, आ जाओ पीछे, आ जाओ, कोई बात नहीं, दोबारा ले लो। कोई बात नहीं, कर लो। इस कैमरे को पकड़ो, वीडियो बनाए। इसको करने के आप थोड़ा गलत काट रहे हो, ठीक है? इसको गलत काटो, पहले इसका डाउन करो। एक बार मैं करके दिखा दूंगी आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे जैसे भी जाए। आप गाड़ी पीछे ले जाओ, मैं बताता हूँ, वही सेम चीज़ कराऊंगा मैं आपको। गाड़ी पीछे ले जाओ, बैठ लो, राइट काटो पूरी फुल, जाने दो बस। अब पीछे वैगनार के पास ले जाओ, फिर मैं बताता हूँ क्या करना। सीधी कर लो, और जाओ, और जाने दो, और जाओ, और जाओ। अब यहाँ लेके आओ गाड़ी, ये वाला टायर यहाँ आना चाहिए, इजीली इस पॉइंट पे। और किसका ऑर्डर? और बस हम लोग को अब खड़ी गाड़ी काटो, पूरी फुल काट लो, काटो, जाओ ले जाओ। एक बार फिर बैक करनी पड़ेगी, एक ही में निकल जाएगी। जाओ और जाओ, जाओ 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 बस अब रोक के पूरी काट लो फुल बैक में। हाँ जाओ, फुल काटो बैक में, जाओ जाने दो, और जाओ 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 और बस अब पूरी काट लो एक ही बार में। फुल काटो, फुल जाओ ले जाओ। घबराओ मत, चलो चलो गई, निकल ले, जाओ 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 जाओ, निकल ले। एक्चुअल में काफ़ी ऊंचा रैंप है ना आपका, तो वो लग जाता है होल्ड। आप गाड़ी रुको मत, एसी फ्लो में चढ़ा लो, बस अंदर जाके सीधा कर लो टायर। अभी फुल कटी रहता है, जब सीधी करोगे तो उधर टकरा जाएगी। आ जाओ 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 जाओ, निकल के हल्का एक्सीलेटर के साथ हाफ क्लच पे।
जाओ 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 जाओ, गुड गुड गुड, सीधी कर लो बस। अब इतना ज़्यादा घर लेफ्ट का तो भाई कटा के रखो, गुड स्पेस है आपके पास। जाओ और जाओ 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 जाओ, हाफ प्लेट के लिए गुड। अब देखो अभी इतने पे खड़ी कर रही हो, उधर दबानी और है, दबानी है। एक बार आके साइड मेरे बंद करो, साइड मेरे बंद करो। अब आके एक बार पीछे उतारो, सीधी सीधी हल्का सा राइट काटो, हल्का सा बस। और जाओ पीछे जाने दो, पूरी गाड़ी नीचे उतार ले जाओ, जाने दो और जाने दो थोड़ा और। हाँ और अब सीधा करो टायर, पीछे जाने दो और बस। यही से अब हल्का ही जो आपकी पट्टी है, लेफ्ट वाला टायर यहाँ आना चाहिए इस पॉइंट पे, जो आपकी पट्टी है। थोड़ा सा सीधी कर लो गाड़ी एकदम, बस सीधा 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 नहीं है टायर, हाँ ये सीधा है बस, ठीक है। इतना स्पेस ठीक है, और चिपका नहीं है, इतना है तो निकलोगे कैसे फिर, इसीलिए ना इतना ये तो उधर से भी निकल सकते हो, खुल जाएगा गेट अगर आप बस। अब आके थोड़ा सा स्पेस रहने दो, इससे ज़्यादा मत बढ़ाना, इतना स्पेस है कि अंदर कोई जाना चाहे जा सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, इन्होंने जो कार पार्किंग करी है तो इतना स्पेस है, जैसे कोई साइड से अंदर की तरफ जाना चाहे तो वो जा सकता है, और काफ़ी स्पेस है इधर से, आराम से बंदा निकल सकता है। साइड मिरर बंद कर दीजिए। तो दोस्तों ये है गाड़ी खड़ी करने का तरीका पोर्च के अंदर। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।